आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपके पहले एंड्रोलॉजी तो पैरेलल में चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि अभी जियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरोलॉजी, इग्नेस पेट्रोलॉजी और आपके सेडिमेंटोलॉजी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स भी हम पैरेलल में चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि BHU का एंट्रेंस आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कवर करना है, और ACF का एग्ज़ाम है तो उसके हिसाब से भी कवर करना है, थोड़ा जल्दी करना है। ठीक है, तो जो GSI का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये। ठीक है, तो जियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। जियोकेमिस्ट्री में अपन बेसिकली पढ़ते क्या हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन है आपके अर्थ का और अदर प्लैनेट्स का, बेसिकली सोलर सिस्टम के केमिकल कंपोजिशन के, सोलर सिस्टम में आपका सन, बाकी प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में अपना अर्थ भी है। ठीक है, तो उनके केमिकल कंपोजिशन को पढ़ते हैं। दूसरा, जो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, जो आपकी रॉक्स जो बनती हैं और जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उनका जो एलिमेंटल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, उसको कैसे ये गवर्न करती हैं। ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है, जो मेनली जियोकेमिस्ट्री में टास्क होते हैं वो आपके क्या क्या हैं कि एक तो जो एलिमेंट्स की रिलेटिव या एब्सोल्यूट जो एलिमेंटल कंसंट्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिटरमाइन करना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट, ठीक है, कि आपका 5 है तो 5 ही है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब क्या है कि 5 के आसपास, 4, 5, 6 इस तरह से हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट पिन पॉइंट आप जब कोई वैल्यू बताते हैं वो आपकी क्या है, एब्सोल्यूट। और जब आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट में बताते हैं कि हाँ इतना हो सकता है इसके रिस्पेक्ट में, वो आपका क्या होता है, रिलेटिव। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव एक्टिविटी के थ्रू जब आप एज ऑफ द अर्थ निकालते हैं वो आपकी क्या होती है, एब्सोल्यूट एज। ठीक है, और फॉसिल्स के थ्रू लिथोलॉजी को कोरिलेट करके जब आप एज निकालते हैं वो आपकी क्या होती है, रिलेटिव एज होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपके जियोकेमिस्ट्री का एक टास्क है। दूसरा आपका क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स है इन द अर्थ क्रस्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, दैट इज क्रस्ट, मेंटल और कोर, आपके डिस्ट्रीब्यूशन और मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ये आपका क्या है, दूसरा टास्क रहता है। अब मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो कोई रॉक है वो बन चुकी है, ठीक है, उसके बाद में वो आपके मेटामॉर्फिक या सेडिमेंटोलॉजिकल प्रोसेसेस के कांटेक्ट में आई, तो उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स उसके केमिकल कंपोजिशन को बना रहे हैं वो किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक, तो रॉक के बनने के बाद जो चेंजेस आते हैं वो आपके एलिमेंटल मोबिलिटी को शो करते हैं। ठीक, जो तीसरा आपका क्या है, एलिमेंटल बिहेवियर, जो एलिमेंट्स हैं वो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटोलॉजी की जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें उनका बिहेवियर किस तरह से रहता है। ठीक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटोलॉजिकल प्रोसेसेस होती क्या हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे जब अपन पेट्रोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखो कि एलिमेंटल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे है वो अभी अपन देखेंगे। फिर आपका ये तो बेसिक्स है कि जियोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते क्या हैं, क्या टास्क हैं, उसके बाद में अपन कॉस्मिक अबंडेंस देखते हैं, कॉस्मोस। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम ये आपके मोस्ट अबंडेंट है विजिबल यूनिवर्स में। ठीक है, फिर आपका जो पीरियोडिक टेबल अब में अपन डिफाइन करते हैं, जो फर्स्ट 50 एलिमेंट्स हैं उनकी जो अबंडेंस है वो पीरियोडिकली एक्सपोनेंशियली आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो सीरीज चलती है पीरियोडिक टेबल में, इनमें क्या होता है कि रिलेटिव जो वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यू प्रोपोर्शन है वो आपका क्या है, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली कम होता जाता है। एक्सपोनेंशियली तो समझते हैं कि जैसे ये ग्राफ खींचा आपने इस तरह से, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है इनकी कंसंट्रेशन। फिर आपका क्या है कि जो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 50 जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिलेटिव वैल्यू है वो आपकी कम होती है, बहुत कम होती है, कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। कौन से, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रेटर देन 50 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में इनमें कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है। ठीक है, ऑलरेडी वो बहुत कम है, वो इससे ज़्यादा क्या कम होगा। ठीक है, फिर आपका क्या है कि इवन नंबर के जो एटॉमिक नंबर, इवन नंबर एटॉमिक एलिमेंट जो है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है उनकी अबंडेंस इमीडिएट नेबरिंग ऑड नंबर के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट हैं उनसे ज़्यादा होती है। मतलब इसको समझो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, तो हीलियम क्या आपका इवन नंबर, फिर आपका लिथियम क्या है, ऑड नंबर, ठीक है, 2 और 3। ठीक है, तो आपकी हीलियम की जो अबंडेंस है वो इसके इमीडिएट नेबर जो लिथियम है इससे ज़्यादा होगी। ठीक, एक्सेप्शन है इसके, इसको आप क्या बोलते हैं, ओडो हार्किंस रूल बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रूल बोलते हैं इसको, ओडो हार्किंस रूल।
ओडो हार्किंस रूल क्या बोलता है कि एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर आर ग्रेटर इन अबंडेंस विद कंपेयर टू इमीडिएट नेबर्स ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब ये तो बेसिक सा है जियोकेमिस्ट्री का। इसके अलावा क्या करते हैं अपन कि जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है एलिमेंट्स की, उसके बेसिस पे अपन तीन तरह के एलिमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स, उसके बेसिस पे तीन तरह के अपन एलिमेंट डिफाइन करें, कौन कौन से, मेजर, माइनर और ट्रेस। मेजर एलिमेंट्स में अपन क्या देखते हैं, वेट परसेंटेज में अपन इनको बोल रहे हैं, ठीक है। मेजर एलिमेंट्स में अपन क्या बोलते हैं कि 1% वेट, एक वेट पर, वन ग्रेटर देन वन वेट परसेंट, ये आपके क्या है, मेजर मिनरल। जैसे कि मेजर अपन डिफाइन करें तो ग्रेटर देन वन वेट परसेंटेज जो आपके कंसंट्रेशन होगी तब आप इसको क्या बोलेंगे, मेजर, ठीक है। जनरली एक्सप्रेस किस में करते हैं अपन, ऑक्साइड्स में, जैसे आपके SiO2, Al2O3, MgO, FeO, CaO, Na2O, K2O, ये आपके क्या है, मेजर मिनरल्स हैं, ठीक है। इनको ऑक्साइड्स में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, आगे देखेंगे क्यों करते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, माइनर। माइनर की जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 0.121 वेट परसेंटेज, ठीक है। तो इनके एग्जांपल आपके क्या है, 0.121 वेट परसेंटेज, ये आपकी क्या है, माइनर की रेंज है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, P2O5, TiO2, MnO, ठीक है। मैंगनीज के ऑक्साइड, टाइटेनियम के ऑक्साइड और फॉस्फोरस के ऑक्साइड, और भी एग्जांपल हैं लेकिन मेनली ये हैं, ठीक है। फिर आपके ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन आपकी क्या होती है, लेस देन 0.1 वेट परसेंटेज। कोई भी एलिमेंट जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 वेट परसेंट से कम है वो आपका क्या, ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जनरली एलिमेंटल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो ट्रेस एलिमेंट है ये आपकी थोड़ी सी वेग डेफिनेशन है, ठीक है। ये मेजर, माइनर और ट्रेस जो है ये थोड़ा सा कन्वीनियंस के हिसाब से है, बट इनमें एक्सेप्शंस हैं। जैसे बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसकी कंसंट्रेशन वन वेट परसेंटेज से ज़्यादा है ये आपका क्या है, मेजर है। लेकिन इसका एक्सेप्शन देखो, आपके जो अल्ट्रामेफिक्स रॉक्स होती हैं उसमें जो K2O है, इसकी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है वो लेस देन 0.1 परसेंटेज वेट परसेंटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्रेस एलिमेंट हो गया, ठीक है। और आपका निकल है, ठीक है, वो एसिडिक रॉक्स में क्या होगा, लेस देन 0.1 परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिवली थोड़ा सा क्या है, वेग डेफिनेशंस है। डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या है, सैंपल के अंदर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब सैंपल और स्पेसिमेन में डिफरेंस समझो। स्पेसिमेन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटसेल्फ। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको स्पेसिमेन बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सैंपल, सैंपल ऑफ द मार्कर्स, तो मैं इसका क्या है, एज ए होल रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैं एक ग्रेनाइट का सैंपल लेके आया, ठीक है, अगर मैं उसको स्पेसिमेन बोल रहा हूँ तो वो मेरे लिए सिर्फ ग्रेनाइट है, ठीक है। अगर मैं उसको सैंपल बोल रहा हूँ तो वो क्या है कि ग्रेनाइट मैं कहाँ से लेके आया हूँ, किस इग्नियस प्लूटोन का है, ठीक है, उस इग्नियस प्लूटोन की एज क्या है, स्टेटिग्राफी क्या है, जियोलॉजी क्या है, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन करेगा वो सैंपल। अगर वहीं पे मैं उस सैंपल को स्पेसिमेन बोल रहा हूँ, विच मीन्स कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ओनली इटसेल्फ, मतलब ये सिर्फ ग्रेनाइट है, इसके बारे में मुझे बाकी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सैंपल और स्पेसिमेन में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रख लेना। कई जगह स्पेसिमेन बोला जाता है, कई जगह सैंपल बोला जाता है, तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेस एलिमेंट वगैरह डिफाइन कर दिया। इसके बाद में क्या होता है कि अब जो मेजर मिनरल्स हैं, मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मेजर एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो मिनरल फेज बनेंगे, जो इग्नियस प्रोसेस से जो मैग्मा क्रिस्टलाइज होगा तो उसके अंदर जो मिनरल बनेंगे उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा आपके क्या होंगे, मेजर होंगे। तो दो तरह के मिनरल होते हैं इग्नियस रॉक्स में, ठीक है, कोई भी रॉक्स है, एसेंशियल और एसेसरी। एसेंशियल का मतलब यह क्या है कि उस बल्क कंपोजिशन ऑफ द रॉक इज़ दैट मिनरलॉजी। जैसे आप ग्रेनाइट डिफाइन करते हैं तो ग्रेनाइट में आपके एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन से हैं, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज और प्लेजियोक्लेज, है ना। और एसेसरी मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, बायोटाइट है, मस्कोवाइट है,
मतलब लेस देन 5% के आसपास जो कंसंट्रेशन है उसको आप असेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो असेंशियल मिनरल फेज कौन बनाएगा? आपका मेजर मिनरल। अब असेंशियल बना रहा है मतलब बल्क ऑफ द कंपोजिशन कौन कंट्रोल कर रहा है? मेजर एलिमेंट्स। तो आपका क्या होगा, ये क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर ऑफ द मैग्मा को भी कंट्रोल करेगा। अब क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल मैग्मा है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डिफ्यूजन जो रेट है वो क्या होगी। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि एलिमेंट विद इन द मैग्मा, एक एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह कितना फ्रीली जा पा रहा है, ये उसका क्या डिफ्यूजन है। जितनी ज़्यादा रेट होगी उतनी उसकी क्या ग्रोथ होगी। अपन इग्नियस स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे तब अपन इन दोनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो आपके क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। अब वो किन टर्म्स में है, विस्कोसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, और आपकी ओवरऑल जो रॉक बनेगी उसके अंदर मिनरोलॉजी क्या होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, ये मेनली सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं मेजर एलिमेंट्स जो होते हैं उनका, ठीक है। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन सफिशियंट हो जाए तो ये अपना मिनरल फेज भी बना लेते हैं। जैसे जिरकन अगर सफिशियंट, जिरकोनियम अगर सफिशियंट कंसंट्रेशन में होगा तो आपका क्या बना देगा, जिरकन बना देगा, ठीक है। फॉस्फोरस अगर सफिशियंट कंसंट्रेशन में होगा तो आपका एपेटाइट बना देगा। टाइटेनियम अगर सफिशियंट कंसंट्रेशन में होगा तो आपके क्या बनेगा, रूटाइल बना सकता है, टाइटेनाइट बना सकता है, इल्मेनाइट बना सकता है, ठीक है। रूटाइल के दो मिनरल और हैं, ठीक है, ब्रुकाइट और एनाटेज जो पॉलीमॉर्फिज्म है। मिनरोलॉजी डिस्कस करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म को अपन बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये ध्यान में रखना कि माइनर मिनरल हैं वो, माइनर एलिमेंट्स हैं वो अपना मिनरल फेज बना सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनकी कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी सफिशिएंट हो, ठीक है। आपके ट्रेस एलिमेंट्स मेनली सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये समझो कि एक आयन है वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब जो रिप्लेस करेगा तो उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे कि कौन सा आयन किसको कब रिप्लेस करेगा। तो गोल्ड स्कीमेडिट के कुछ रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं, ठीक है। गोल्ड स्कीमेडिट ने दिए हैं सब्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, तीन रूल्स हैं बेसिकली। कि पहला तो जो आयनिक रेडियाई का जो डिफरेंस है वो लेस देन 15% होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 15%, ठीक है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। इसके अलावा तीन क्राइटेरिया और हैं, तीन सरकम स्टेंसेज में आपके रिप्लेसमेंट हो सकता है। वो कौन कौन सा है कि एक आपका कैमोफ्लेज है, एक आपका कैप्चर्ड है, और एक आपका एडमिटेड है। कैमोफ्लेज में क्या होता है कि मेजर एलिमेंट और माइनर एलिमेंट की जो आयनिक रेडियाई है वो सिमिलर है, दूसरा जो चार्ज है वो भी सिमिलर है, ठीक है। तो तब आपके क्या होंगे, वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। जैसे आपका रूबीडियम है वो पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है फेल्डस्पार में और माइका ग्रुप के मिनरल्स में, ठीक है। दूसरा निकिल है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है कहाँ पे, ओलिविन जो रॉक्स ओलिविन मिनरल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, पर मेनली ओलिविन्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आप आयनिक रेडियाई कैसे डिफाइन करते हैं और चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो आप आयन, सबसे पहले आयन डिफाइन करो, ठीक है। आयन कैसे डिफाइन करते हैं अपन, कि एक स्फीयर विजुअलाइज कर रहे हैं जिसकी कुछ रेडियस है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, इसकी ये रेडियस है, आर रेडियस है, ठीक है। तो ये जो आयन है इसकी जो रेडियस है इसको आप क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो दो एलिमेंट जो एक दूसरे को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी आयनिक रेडियाई क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो भी आपका एलिमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। दो निकाल दिया तो कितना चार्ज आएगा, +2। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्या आ जाएगा, -1। दो दे दिया तो -2। तो ये चार्ज है, वैलेंसी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। अब आपका क्या होता है, कैप्चर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, माइनर या ट्रेस एलिमेंट की जो आयनिक रेडियाई है और मेजर एलिमेंट की जो आयनिक रेडियाई है वो तो सेम है, लेकिन जो आपका माइनर एलिमेंट है उसका जो चार्ज है वो मेजर एलिमेंट से ज़्यादा है, ठीक। तो जैसे आपका जो माइनर मिनर एलिमेंट है वो बेरियम है, तो इसका चार्ज क्या है, +2, और पोटेशियम आपका क्या है, मेजर एलिमेंट है, ठीक, तो इसका चार्ज क्या है, +1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका माइनर एलिमेंट है उसका चार्ज है वो ज़्यादा है। आयनिक रेडियाई दोनों की सेम है लेकिन माइनर का जो चार्ज है वो ज़्यादा है। एडमिटेड में क्या होता है
कि आपका जो मेजर एलिमेंट है उसका चार्ज है वो माइनर से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे लिथियम है वो माइनर है और मैग्नीशियम है ये आपका मेजर है, तो मैग्नीशियम पे जो चार्ज है वो प्लस टू है और लिथियम पे जो चार्ज है वो प्लस वन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको आप बोलते हैं एडमिटेड, दोनों के आयनिक रेडियस अभी भी सेम है, ठीक है। अब ये तो आपका आ गया कि मेजर मिनरल क्या होंगे, माइनर क्या होंगे और ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़। दूसरा आपका क्या होता है, कॉस्मिक अबंडेंस अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इसी साल गेट में दो नंबर का क्वेश्चन आया था इसके बेसिस पे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन देन सिलिकन देन एल्यूमिनियम देन आयरन कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम टाइटेनियम, ये आप ध्यान में रखेंगे, गेट में इसी साल आया, ठीक है। फिर आपका अर्थ एज ए होल जब अपन देखेंगे तो आयरन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन होगा, उसके बाद में सिलिकन एंड देन मैग्नीशियम, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इन सोलर सिस्टम जब अपन डिस्कस करेंगे तब आपका क्या होगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में हीलियम होगा। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, नेट में गेट में जेम में बीएचयू के एंट्रेंस में और जो भी स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स लगते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स के टाइप किस बेसिस पे टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेनली आप ट्रेस एलिमेंट डिफाइन किस बेसिस पे कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है, कि लेस देन 0.1 वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन होगी तब आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट बोलेंगे। अब ट्रेस एलिमेंट में आपके दो टाइप के होते हैं, कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल, ठीक है। दो टाइप के कौन कौन से हैं, कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल। अब कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, वेदर एलिमेंट प्रिफर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, इसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, दो तरह की ट्रेस एलिमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये ट्रेस एलिमेंट है लेस देन 0.1 वेट परसेंटेज, ठीक है, ये ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। ये दो तरह के हैं आपके, कौन कौन से, कंपेटिबल एंड इनकम्पेटिबल, कंपेटिबल एंड इनकम्पेटिबल। कंपेटिबल इनकम्पेटिबिलिटी किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, कि जो एलिमेंट है वो सॉलिड फेज में प्रेफरेंस देता है अपनी या लिक्विड स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स सॉलिड फेज को प्रेफर करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, कंपेटिबल एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट या मेल्ट स्टेज को प्रीफर करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स। अब ये पता कैसे चलेगा, ठीक है, यहीं पे आपके ट्रेस एलिमेंट्स का जो बिहेवियर, जो केमिकल या एलिमेंटल बिहेवियर की अपन ने बात करी थी जियोकेमिस्ट्री में, कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज डिटरमाइनिंग द एलिमेंटल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले अपन इसको देख लेते हैं। देखो आपकी जो अर्थ है वो कौन से प्रोसेस से बनी है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से, द अर्थ इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी पहले कोर बनी, फिर मेंटल बना और फिर क्रस्ट बनी, कोर मेंटल एंड क्रस्ट। ये स्केल पे नहीं है कि कोर इतनी छोटी क्यों है, मेंटल इतना बड़ा और क्रस्ट इतनी बड़ी कैसे, ठीक है। ये एक जनरल ऐसे ही डायग्राम बनाया है कि आपके तीन लेयर हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, जब आप पढ़ेंगे तो एक कोर मेंटल एंड क्रस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कोर बनी, मतलब क्या था कि इनिशियल जो था वो आपका सारा का सारा हॉट मोल्टन मैग्मा, एक तरह का गैसियस स्फीयर था, ठीक है। धीरे धीरे कूलिंग हुई, सबसे पहले कोर कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही सॉलिड फेज गया तो उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे उन्होंने जिस टाइम पे सॉलिड फेज को प्रीफर किया वो आपकी क्या है, कंपेटिबल, ठीक है। उसके बाद में मेंटल बना तो मेंटल में भी आपकी क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ। तो उस टाइम पे फिर एलिमेंट्स के पास में प्रेफरेंस आई कि आप लिक्विड स्टेट में रहना चाहते हैं या आप सॉलिड स्टेट में जाना चाहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जाने वालों को फिर आप क्या बोल देंगे, कंपेटिबल, लिक्विड में रहने वाले को इनकम्पेटिबल। फिर आपकी लास्ट में क्या बनी, क्रस्ट। तो क्रस्ट में भी फिर क्या हुआ कि आपसे एलिमेंट से पूछा गया कि भाई लिक्विड स्टेट में रहोगे कि सॉलिड में जाओगे, तो जो कुछ सॉलिड में चले गए कुछ लिक्विड में रह गए, जो सॉलिड में रह गए चले गए उनको क्या बोले, कंपेटिबल एलिमेंट्स, और जो लिक्विड में रह गए उनको आप क्या बोल रहे हैं, इनकम्पेटिबल, ठीक है। अब एंड ऑफ द डे क्या होगा कि क्रस्ट के अंदर जो मेल्ट बचा था, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट बची थी वो भी सॉलिड तो होगी, तो उस टाइम पे जो लास्ट में जो मेल्ट सॉलिड हुआ है उसके अंदर क्या होंगे, सारे सारे इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपका क्या है, इनका प्रेफरेंस
फॉर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, इसके बेसिस पे कंपेटिबल इनकम्पेटिबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूला डिराइव कौन सा होता है, सबसे पहला आपका पार्टीशन कोफिशेंट, फिर आपका क्या होता है बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट। उसके बाद में देखते हैं कि जब मेल्टिंग होती है, पार्शियल मेल्टिंग किसी सोर्स की होती है, तो मेल्टिंग कितने तरीके की होती है, बैच मेल्टिंग होती है, रेले मेल्टिंग होती है, फ्रैक्शनल मेल्टिंग होती है, पार्शियल मेल्टिंग के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। डिकम्प्रेशन होता है आपका, इनफ्लक्स ऑफ वोलेटाइल मटेरियल होता है, सडन डिक्रीज और इंक्रीज इन जियोथर्मल ग्रेडियंट होती है, ये अपन पार्शियल मेल्टिंग ऑफ मेंटल इग्नियस पेट्रोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि ये तीन चार रीजन होते हैं, ठीक है। अब आपका मान लो ये इनिशियल मैग्मा था, इनिशियल मेल्ट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल मेल्ट, इसको ध्यान से समझ लेना, जो भी एग्जाम देंगे जियोकेमिस्ट्री जिसमें भी आती है यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ सी ओ, ठीक है। और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ट्रेस एलिमेंट की, उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू ओरिजिनल मेल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट दैट इज एक्स इनटू ओरिजिनल मेल्ट दैट इज सी ओ, ठीक है। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होती है, इसको अपन इग्नियस पेट्रोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आप इतना ध्यान में रखो कि एक प्राइमरी मैग्मा होता है, ठीक है। जब वो सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन उसके अंदर चालू हो जाता है, तो अर्ली फॉर्म क्रिस्टल्स जो होंगे उसके अंदर क्या होंगे, सेपरेट होते चले जाएंगे थ्रू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आपका जो मैग्मा बचेगा वो क्या होगा, इनरिच होता चला जाएगा उन एलिमेंट्स के अंदर जो अभी सॉलिड स्टेट में नहीं आए, ठीक है। तो इस तरह से मैग्मा आपका क्या होगा, इवोल्व होता चला जाएगा। तो ट्रेस एलिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट स्टडी में आपके रोल प्ले करते हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ मैग्मेटिक मैग्मा, ठीक है। तो अब ये देखेंगे सारी डिफरेंशिएशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वगैरह क्या होता है, ये सब इग्नियस पेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे अपन, अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या होगा, कुछ मिनरल बनेंगे, कुछ क्या रहेगा, मेल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये मिनरल फेज बन गया, सॉलिड मिनरल फेज। अब देखो मिनरल फेज बनेगा तो आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सॉलिड स्टेट को प्रीफर कर रहे होंगे, जिनको अपन ने कंपेटिबल बोल दिया, ठीक है। तो उन कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड मिनरल फेज भी होगा, ठीक है। उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सी एस और एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड फेज, प्लस क्या रहेगा, कुछ मेल्ट रह जाएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मेल्ट, ठीक है। ओरिजिनल और रेजिडुअल जो बच गया उसको आप क्या बोल रहे हैं, रेजिडुअल मेल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके इनकम्पेटिबल ट्रेस एलिमेंट की कंसंट्रेशन रहेगी, उसको आप क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू रेजिडुअल मेल्ट, तो सीएम और सीएस। तो बेसिकली जो आपका ओरिजिनल मेल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीएस एंड सीएम। तो इसको अपन बोल सकते हैं सी ओ एक्स इक्वल्स टू सी एस एक्स प्लस सी एम एक्स, ये फॉर्मूले में अपन इसको तोड़ सकते हैं। एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट दैट इज एक्स इनटू ओरिजिनल मेल्ट दैट इज योर सी ओ, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड स्टेट दैट इज सी एस, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू मेल्ट स्टेट रेजिडुअल मेल्ट दैट इज योर सी एम, ठीक है। तो सी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एस प्लस सी एम। अब देखो आपका क्या होगा, अब इसमें दो केस आ जाएंगे, दो केस कौन कौन से आ जाएंगे, कि या तो आपकी जो कंसंट्रेशन इन सॉलिड है वो कंसंट्रेशन इन मेल्ट से ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड फेज इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू रेजिडुअल मेल्ट, एक केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड फेज इज लेसर देन कंसंट्रेशन इनटू रेजिडुअल मेल्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कि जो ट्रेस एलिमेंट्स थे उन्होंने सॉलिड फेज को प्रीफर किया है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंपेटिबल। तो ये मैथमेटिकली आप बता सकते हैं इसको, और ये क्या हो जाएंगे, इनकम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या करते हैं, अब पार्टीशन कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे अपन। पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए अपन क्या करते हैं कि रेशियो ले लेते हैं, बस रेशियो किस किस का ले रहे हैं, कि
अब देखो पार्टीशन कोफिशेंट का जो कंसेप्ट डिफाइन किया गया है वो किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि आपका मेल्ट और जो सॉलिड बन रहे हैं वो आपके क्या इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सॉलिड मिनरल बनते जा रहे हैं वो आपके मेल्ट से सेपरेट होते जा रहे हैं। अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट से जो रेजिडुअल मेल्ट है उससे किसी तरीके की रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आपके क्या इक्विलिब्रियम में है। जैसे जैसे मिनरल बनते चले जा रहे हैं वो मेल्ट से सेपरेट होते चले जाते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे वो सेपरेट होते जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इग्नियस पेट्रोलॉजी में, ठीक है, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन में जब अपन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू लिक्विड स्टेट और रेजिडुअल मेल्ट स्टेट, इसको आप क्या बोलते हैं, दैट विल गिव यू ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट। जब कोई दो नंबर का आप रेशो लेंगे तो हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। जैसे भाई 5/5 करूँ तो एक आएगा, तो एक कांस्टेंट आपका, है ना। तो इसी तरह से आपका क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड मिनरल फेज एंड रेशियो ऑफ सीएस ओवर सीएम, दिस विल गिव यू ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशेंट, ठीक है। तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के डी से, के डी, ठीक है। दोबारा सुन लो ध्यान से कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू सॉलिड मिनरल फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इनटू रेजिडुअल मेल्ट, दैट विल गिव यू ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशेंट प्रोवाइडेड दिस इज कैलकुलेटेड ऑन ए इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ही आप पार्टीशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, ये कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जिसकी कोई हद ही नहीं है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब जुलाई से अपन अपना कोर्स है वो गेट और नेट और जेएम के लिए स्पेसिफाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी अपन जीएसआई के हिसाब से देख रहे हैं और बीएचयू के एंट्रेंस के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, केडी की तीन केस हैं, केडी इज इक्वल टू वन, केडी ग्रेटर देन वन, केडी लेस देन वन, ये तीन कंडीशन है पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे कंपेटिबल इनकम्पेटिबल डिफाइन करने की, ठीक है। अब देखो केडी की वैल्यू बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेस एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन है सॉलिड और लिक्विड में वो बराबर है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ बोलेंगे नहीं अपन। अब देखो के डी अगर ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन कब आएगा, मान लो सी एस की वैल्यू है वो 10 है और सी एम की वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। तो 10/5 करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 2 ग्रेटर देन वन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंसनट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इंटू सॉलिड मिनरल फेज इज ग्रेटर देन कंसनट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इंटू रेजिडुअल मेल्ट, ये आपको क्या देगा, कंपेटिबल, कि जो आपके ट्रेस एलिमेंट है वो आपके क्या कंपेटिबल ट्रेस एलिमेंट है। अब दूसरी कंडीशन है कि सी एम है वो आपका 10 है और सी एस है ये आपका 5 है, तो 5/10 तो ये क्या आएगा 0.2, दैट इज लेस देन 1, ठीक। तो ये क्या होगा, जब के डी लेस देन 1 होगा इसका मतलब क्या है कि कंसनट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इंटू रेजिडुअल मेल्ट इज ग्रेटर देन द कंसनट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इंटू सॉलिड मिनरल फेज, दैट विल बी इनकम्पेटिबल, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये पार्टीशन कोफिशिएंट है, बहुत सिंपल सा है, कोई हवा नहीं है। लोग इसको पता नहीं किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ठीक है, उस तरह से नहीं लेके जाना बहुत हार्ड वाले को, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है कि ये तो आपने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में डिस्कस कर दिया पार्टीशन कोफिशिएंट, लेकिन जो आपकी रॉक्स हैं वो क्या है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, है ना, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। तो आपके क्या होंगे कि पर्टिकुलर ट्रेस एलिमेंट के लिए अलग अलग मिनरल्स के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट तो डिफाइन करने जाएंगे नहीं, तो आपको क्या चाहिए, एक क्यूमुलेटिव बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट चाहिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, डी, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। कैसे डिफाइन करते हैं, पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 d1 प्लस x2 d2 प्लस x3 d3 प्लस अप टू xn dn, ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब d1 d2 d3 क्या है, d1 d2 d3 क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है।
केडी शॉर्ट में बोल दे रहा, ठीक है। अब ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफाइन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, डी एक्स क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, मॉडल प्रोपोर्शन, मॉडल प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल, ये ध्यान रखा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अब मान लो एक रॉक है, कोई रॉक है, ठीक है, जिसके अंदर ओलिविन है, पायरोक्जिन है और आपका फेल्डस्पार है। एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। ओलिविन आपका 30% है, पायरोक्जिन भी 30% है और फेल्डस्पार भी आपके मान लो 40% है, तभी 100% होगा, ठीक है। अब मान लो अपन डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी ट्रेस एलिमेंट ले लो, जैसे निकल ले लिया, ठीक है। निकल आपको फेल्डस्पार और पायरोक्सिन में मिलेगा, लेकिन एग्जांपल के ले रहे हैं, ठीक है। निकल की जो पार्टीशन कोफिशेंट है ओलिविन के लिए वो 0.4 है, इसके लिए 0.6 है और इसके लिए 0.5 है, ये मान लिया, ठीक है। तो अब मेरे को बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, डी इक्वल्स टू 30/100 इसका पार्टीशन कोफिशेंट के डी वन, फिर ओलिविन का आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 30/100 इंटू के डी टू प्लस 40/100 इंटू के डी थ्री। अब के डी वन की वैल्यू क्या है 0.4, के डी टू की वैल्यू क्या है 0.6 और के डी थ्री की वैल्यू क्या है आपकी 0.5। तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 0.6 प्लस 0.4 इंटू 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 0.12 प्लस 0.18 प्लस 0.2, तो इसको देख लो कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा लगभग, ठीक है। कितना आएगा 30, 20, 50, ठीक है, तो 0.5 आ जाएगा आपका। तो बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका डी 0.5। करना कुछ नहीं है इसमें, क्या करा कि ओलिविन पायर जितना भी मिनरल प्रोपोर्शन दिया हुआ है वेट परसेंटेज में, उसको आपने क्या किया सीधा सीधा परसेंटेज हटा दिया उसका, फिर आपका उसका जो पर्टिकुलर पार्टीशन कोफिशेंट दिया हुआ है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया और सारा को ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इसको, ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा हो, ठीक है। और अभी पैरेलल में चलेंगे सारे सब्जेक्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सपोर्ट।